हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो डिश बनाने जा रही हूँ उसका नाम है चीज़ी गोल्डन फिंगर्स। तो ये जो चीज़ी गोल्डन फिंगर्स है, इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसे बनाने के लिए। तो चलिए हम सब देखते हैं कि इस चीज़ी गोल्डन फिंगर्स को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, मैंने दो ब्रेड के पीसेस लिए थे जिसको कि मैंने थ्री पार्ट्स में कट कर लिया है। मैंने इसके कॉर्नर्स को भी कट करके इस शेप में कट किया है। उसके बाद मैंने लिया है 5 बड़े चम्मच ग्रेटेड चीज़। ये 5 बड़े चम्मच ग्रेटेड चीज़ लिए हैं एंड 5 बड़े चम्मच मैंने मेल्टेड बटर लिया है। दिस इज़ 1.5 स्पून मैंने ग्रीन चिलीज लिए हैं। 1/2 टीस्पून मैंने पेपर लिया है, दैट इज़ क्रश्ड पेपर, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 1 बड़ा चम्मच मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ किया है। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने जो मेल्टेड बटर लिया है ना, उसे हम इससे दोनों साइड पे, इस ब्रेड के दोनों साइड पे यूं लगा लेंगे और इसे टोस्ट करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, बिलीव मी, आपके बच्चे इसे बहुत प्यार से खाने वाले हैं। बच्चे बड़े जो भी हो, उन्हें ये बड़ा मजा आएगा खाने में। ये इसे हमें मीडियम फ्लेम पे हम इसे हार्डली 4 मिनट्स, हाँ 4 मिनट्स के लिए हम इसे ब्राउन कर लेते हैं। ओके, ये हमारा, अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसे टोस्ट करेंगे। और 4 मिनट के बाद ना हम गैस बंद करेंगे और फिर उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, 2 बड़े चम्मच इसमें बटर लेंगे, ओके, फिर ये चीज लेते हैं 2 बड़े चम्मच, सॉल्ट लेते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, ग्रीन चिली, पेपर और ये फ्रेश क्रीम। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से हिला लिया है और ये 4 मिनट होने को आए हैं। ये हमारा, हाँ, क्रिस्पी हो गया है ये ब्रेड हमारा। चलिए गैस बंद करते हैं और फिर क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब करना क्या है, हम ये गैस बंद करेंगे और ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है ना, ये मिक्सचर मैंने जो तैयार किया है ना, इसमें 2 बड़े चम्मच मेल्टेड बटर लिए थे, 2 बड़े चम्मच ग्रेटेड चीज़ है, 1.5 टीस्पून बारीक कटे हुए ग्रीन चिलीज हैं, 1/2 टीस्पून क्रश्ड पेपर है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 1 बड़ा चम्मच जो मेरा फ्रेश बटर था वो मैंने लिया। अब क्या करना है इसको वो देखिए,
इसे हम इसे हल्के हाथों से बहुत आराम से इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, ओके? बहुत आराम से इसे स्प्रेड किया, सारे टुकड़ों के ऊपर हम इसे ऐसे ही फैला देंगे। आप इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हो, बट मैंने इसको गैस के ऊपर ही बनाया है। यू कैन यूज माइक्रोवेव एज वेल। अब हम इसे वापस से गैस ऑन करते हैं। ये गैस ऑन करके हम इसे ढक कर पकाएंगे। अभी इसे ढककर 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे पका लेते हैं, या ऐसा बोलिए जब तक चीज मेल्ट हो रहा है उतनी देर पकाना है। एक इसके ऊपर थोड़ी सी मेल्टेड चीज स्प्रेड करते हैं। दो मिनट होने को आए हैं, चेक करते हैं। ये हमारा चीजी गोल्डन फिंगर्स खाने के लिए और सब तैयार है। हम इसे एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी, यकीन मानिए आपके बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे इसे। हम इसे सर्व कर देते हैं। ये आपका, आप इसको सॉस के साथ खा सकते हैं।